नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी। बात करूंगा आज शुक्र ग्रह के ऊपर, बात करूंगा आज ओपल रतन के ऊपर, बात करेंगे आज ऑस्ट्रेलियन ओपल के ऊपर, इथोपियन ओपल के ऊपर, बात करेंगे रंगों के राजा और फायर सबसे ज़्यादा देने वाले रत्न यानी कि ओपल रतन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ओपल रतन क्या काम करता है, ओपल रतन और शुक्र ग्रह का ओपल के साथ क्या कनेक्शन है, आज हम इस पर चर्चा जारी करेंगे। मित्रों सबसे पहले बता दूं, आपने नोट किया होगा जिनकी कुंडली में शुक्र खराब होता है उन लोगों को कभी मानसिक संतुष्टि नहीं मिलती। जैसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, नारायण जी मैं 5-स्टार होटल में कमरा ले रहा हूँ, आज बुक करवा रहा हूँ, आज मैंने बहुत लग्जरी गाड़ी खरीदी है, बहुत बड़ी गाड़ी ली है, आज मैंने बहुत अच्छी मैंने जीन्स खरीदी है 15,000 रुपये की, लेकिन बाद में कहते हैं मज़ा नहीं आया, संतुष्टि नहीं मिली, सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। इसका कारण क्या है? इसका कारण दोस्तों आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति हो सकती है। जैसे कि जन्म लग्न कुंडली में जिनकी कुंडली में शुक्र नीच राशि के हों, तीसरे घर में, छठे घर में या आठवें घर में या 12वें घर में हों, ऐसे व्यक्ति की जिंदगी के अंदर संतुष्टि सेटिस्फेक्शन नाम की चीज़ नहीं होती। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन लोगों का स्वभाव होता है जैसे शुक्र जिसका डिस्टर्ब होएगा कुंडली में किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे वो सूर्य के साथ बैठने से अस्त हो जाए, चाहे वो पाप ग्रहों के साथ बैठने से हो जाए, चाहे क्रूर ग्रहों के साथ बैठने से हो जाए, कारण कुछ भी हो, शुक्र यदि कुंडली में खराब है उनको संतुष्टि नहीं मिलती। संतुष्टि ना मिलने का कारण, जैसे सपोज एक व्यक्ति ने बहुत बढ़िया रॉयल जगह पे अच्छा होटल बुक करवाया, फैमिली के साथ गया, लेकिन बाद में जाकर के वहाँ पे झगड़ा कर लिया, इतना रॉयल अच्छी जगह पे रहने के बावजूद भी आप उसका सुख नहीं भोग पा रहे, इसका मतलब शुक्र आपका डिस्टर्ब है। आप बहुत अच्छे दोस्तों के साथ जा रहे हो, हंसी खेल मजाक करते हुए गए हो, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आए कि आपके संबंध वहाँ खराब हो गए, आप मतलब लास्ट मोमेंट में मजा किरकिरा हो जाना, यानी शुक्र खराब है, शुक्र का इलाज करना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरी जिंदगी भर आप तरसते रह जाएंगे उस सुख के लिए जिसे आप चाहते हैं। सपोज एक व्यक्ति कहता है, नारायण जी मेरे को संबंध मेरे पास बहुत अच्छे हैं, मेरे पास में पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे बड़े बड़े हैं, बिजनेसमैन बहुत बड़े बड़े हैं, रिलेशन बहुत बड़े बड़े हैं, मैं इतनी डील करता हूँ, इतनी कोशिशें करता हूँ, लास्ट मोमेंट में आकर के मेरे संबंध खराब हो जाते हैं, मेरी डील सिरे नहीं चढ़ती, यानी शुक्र खराब है। पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे होने के बावजूद पॉलिटिकल सिस्टम से लाभ ना ले पाना, अथवा जुडिशली में, ऑफिसर्स में आपके बहुत मान सम्मान इज्जत बनती है, फिर भी आपका अपना काम नहीं होता, यानी आपका शुक्र डिस्टर्ब है। शुक्र कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा तो उसकी और कई सारी निशानी है, जैसे जैसे आपका कमरा बहुत गंदा रहेगा, जिनका शुक्र बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो उनका कमरा, कभी उनकी बेडशीट देख लो, उनके बाथरूम देख लो, टॉयलेट देख लो, किचन देख लो, उनके कपड़े देख लो, उनके पहनने के जो चीज़ें हैं उन सब में क्या पैसे वाले लोग भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उनका साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं होगी, बहुत गंदे तरीके से रहने वाले मिलेंगे, स्मेल उनके आसपास में बहुत आम सी बात है, गंदगी मिल जाएगी। लेकिन कुंडली में जिनका शुक्र अच्छी स्थिति में हो लेकिन वीक हो, उनके पास ये सारी चीज़ें, मतलब साफ़ सफाई तो बहुत होगी लेकिन वो बड़ी छलांग नहीं लगा पाते जिस लेवल पे वो जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, नारायण जी जैसे जिनकी कुंडली में, आप नोट करना, शुक्र राहु कट्ठे होंगे, शुक्र राहु कट्ठे वाला व्यक्ति को विशेष रूप से शुक्र राहु का मैं एक उपाय बताऊंगा। वैसे शुक्र राहु जिसकी कुंडली में इकट्ठे हों वो बहुत बुद्धिमान, बहुत तेज़तर्रार, बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो सकता है। शुक्र और राहु एक साथ मिलना मतलब एक राक्षस ग्रह यानी राहु देव और उनके गुरु शुक्राचार्य के साथ जब बैठ जाएं, दोनों की युति हो जाए यहाँ पर, तो एक अपने आप में एक शानदार योग है। अगर ये दोनों ग्रह कुंडली में अच्छे हैं तो दोस्तों राहु और शुक्र जिसके कुंडली में अच्छे हो गए तो समझो वो बहुत बड़ा तेज तरार, बहुत बुद्धिमान, बहुत हाईली इंटेलिजेंट और हर काम में सक्सेस पाने वाला होगा, स्पेशली लाइजनिंग के अंदर उनकी लाइजनिंग बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। लेकिन यही ग्रह अगर खराब हो जाए तो इसका विपरीत फल मिलेगा। मैं आपको इसका एक निवारण बता रहा हूँ। अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति डिस्टर्ब है तो आपकी कुंडली की डिग्री चेक करके आप अपने शुक्र का बढ़िया उपाय कर सकते हो, जैसे कि ओपल रतन धारण करें। ओपल रतन में दोस्तों एक आता है फायर ओपल, एक आता है विदाउट फायर आता है।
फायर ओपल में बहुत ज़्यादा पावर होती है, लेकिन यहाँ डिपेंड करता है आपका होरोस्कोप में कि कितने डिग्री का शुक्र है, क्या 5 डिग्री से नीचे का है, क्या 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में है, कितने अंश के ऊपर शुक्र है, और शुक्र के साथ जो राहु की या दूसरे प्लैनेट की सिचुएशन अगर आपको सही नॉलेज हो जाए, यकीन मानिए दोस्तों, डायमंड का भी एक और फॉर्मूला है। एक मैं कहूँगा शुक्र जो है वो डायमंड और ओपल दोनों का एक दूसरे के दोनों ही शुक्र के रत्न हैं। अगर किसी व्यक्ति को डायमंड नहीं सूट किया उसको ओपल सूट कर जाता है, किसी को ओपल नहीं सूट किया उसको डायमंड कर जाता है। और जिसकी कुंडली में शुक्र और राहु इकट्ठे हों, सबसे पहले मैं उसको बोलता हूँ गुमेद के अंदर डायमंड लगा के पहन लो, जैसे मैंने पहना हुआ है। गुमेद के साथ डायमंड अगर आप पहन रहे हैं, गुमेद और डायमंड आप यकीन मानिए इतना रिजल्ट देता है, इतना ज़्यादा रिजल्ट देता है आप सोच भी नहीं सकते। डायमंड और गुमेद अगर दोनों कॉम्बिनेशन बनेगा तो यहाँ पर शुक्र की जो पावर है और राहु की पावर है दोनों एक साथ मिल करके एकदम मतलब बहुत बड़ी पावर बन जाएगी ये, और ये ऐसा योग का निर्माण होगा कि जिस काम में हाथ डालोगे वो सक्सेस है। यहाँ पर दोस्तों एक और फॉर्मूला लागू होता है, मैरिड लाइफ लव लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और काम बिल्कुल ही नहीं बन रहे अगर, तो आपको करना क्या चाहिए, यहाँ पे शुक्र की सिचुएशन के अकॉर्डिंग वाइट ओपल तो लेना ही लेना है, ओपल भी ऑस्ट्रेलियन लेना है। ऑस्ट्रेलियन ओपल में आप डायमंड साथ और लगा दो, और डायमंड भी क्या है, अब आपने यहाँ बिल्कुल वाइट डी कलर ई एफ जी कलर नहीं लगाना, यहाँ आपने लगाना आई कलर जे कलर के कलर एल कलर डाउन में, क्योंकि यहाँ पर जो डायमंड के देखिए डी से डायमंड स्टार्ट होता है और जेड तक चलता है कलर। अब इसमें कलर और क्लियरिटी डिपेंड करती है, लेकिन अगर दोस्तों ओपल के साथ अगर डायमंड लग जाए तो वो जो रिंग या पेंडेंट बनेगा उसकी पावर क्या हो सकती है आप सोच नहीं सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मतलब अपने आप में एक अलग चीज होगी। दोस्तों ओपल जो है हमेशा ऑस्ट्रेलिया का नंबर वन होता है, ओपल का एक केमिकल फॉर्मूला भी रहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है 2.15 प्लस ग्रेविटी अगर ओपल की है तो वो बेस्ट ओपल हो सकता है। ओपल इथोपिया का भी आता है, इथोपिया का जो ओपल ना दोस्तों उसमें फायर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही इथोपियन ओपल बहुत सुंदर होता है यानी ऑस्ट्रेलियन से भी ज़्यादा सुंदर होता है, उसमें सातों के सातों रंग मिल जाएंगे आपको, लेकिन जैसे पानी टच होगा वाटर लगेगा तो आपका पूरा जो ओपल है उसका कलर जो है वो गायब हो जाएगा, और ओपल बहुत एकदम नॉर्मल पानी जैसे कलर का हो जाएगा, एकदम क्लीन दिखने लगेगा, आर पार कलर गायब। लेकिन जैसे ही धूप लगेगी तो ओपल का कलर वापिस आ जाएगा, ये है इथोपियन ओपल। और सदाबहार जो ओपल है बेस्ट है, जिसकी हार्डनेस अच्छी है जिसकी ग्रेविटी अच्छी है वो सबसे बेस्ट नंबर वन पे है ऑस्ट्रेलियन ओपल। ऑस्ट्रेलियन ओपल जो दोस्तों जिसे दुधिया पत्थर भी कहा जाता है हिंदी में, ये शुक्र का सबसे पसंदीदा रत्न है। जितने बड़े राजनीतिक के व्यक्ति मिलेंगे, जितने बड़े पॉलिटिशियंस मिलेंगे, फिल्म स्टार मिलेंगे, फिल्म प्रोड्यूसर्स मिलेंगे, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो जुड़े हुए लोग मिलेंगे वहाँ पर ओपल काम करेगा। वाइट ओपल दोस्तों आपको लग्जरी से जुड़े हुए लोगों के पास आम बात मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि आपने छोटा डालना है, आप बड़ा पहनिए ना, आपकी जितनी मर्जी क्वांटिटी में पहनिए, क्या परेशानी है, ओपल आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं, काम आने की बातें हैं, हो सकता है आपके लिए ये चीज़ काम की हो। आप इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह स्टडी करो, सोचो समझो और अपने लिए आप ओपल प्लान करो अगर आपकी सिचुएशन कुंडली में ऐसी शुक्र की हो तो। ओपल रतन धारण की उंगली में करें, ओपल रतन राइट हैंड की अंगूठे के साथ वाली पहली उंगली में, यानी शुक्र पर्वत जो है दोस्तों ये शुक्र पर्वत है, शुक्र पर्वत के बिल्कुल सामने जुपिटर है बृहस्पति है, और शुक्र से थोड़ा सा साइड में देखेंगे शनि पर्वत है, तो यहाँ पर शनि और शुक्र यहाँ पर मित्र स्थिति में दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों पर्वत के सामने का ये शुक्र के सामने दोनों पर्वत हैं, तो शनि की उंगली में यानी मध्यमा उंगली में या फिर आप इंडेक्स फिंगर में तर्जनी उंगली में, इन दोनों उंगली में आप वाइट ओपल जो है डायमंड लगा के पहन सकते हैं या बिना डायमंड के भी पहन सकते हैं। शुक्रवार के दिन पहनना चाहिए, सुबह 11 बजे से पहले पहनना है, शुभ मुहूर्त में पहनना है, विधि विधान से पूजा पाठ करके शुद्ध करा करके फिर पहनना चाहिए, अच्छे विद्वान ब्राह्मण से बीज मंत्रों का पाठ करा के पहनिए, लाभ कुछ और मिलेगा आपको।
शुक्रवार के दिन सायंकाल का समय जो है 4 से लेकर 6 बजे का समय या 7 बजे तक का समय, इसमें भी आप ये रत्न पहन सकते हैं शुभ के चौघड़िया के अकॉर्डिंग। दोस्तों शुक्र अपने आप में बहुत बलशाली है, जिसको बहुत बड़ा धन दौलत मान सम्मान इज्जत रिस्पेक्ट प्रेम प्यार लव लाइफ एंटरटेनमेंट इंजॉयमेंट विदेश यात्राएं, जिनको लग्जरियस लाइफ का शौक है, जिनको बहुत बड़े बड़े ख्वाबा ख्यालात हैं, जिनके बहुत बड़ी सोच है, जिनकी जिन्होंने फेम लेना है नेम लेना है, उन लोगों के लिए ओपल बनता है। दोस्तों आप भी ट्राई कीजिए, आपकी किस्मत में भी हो सकता है आपके लिए ओपल बनता हो। दोस्तों ये थी आज की ओपल के विषय में एक जानकारी, अगली बार एक नए पत्थर के ऊपर जानकारी जल्दी लेकर के आऊँगा। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं मिलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो फ्रेंड नारायण नारायण या नारायण एस्ट्रो इंडिया चैनल को आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके पश्चात दोस्तों आप मुझे Facebook पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर नारायण आचार्य चंडीगढ़ के नाम से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और आप मेरे ऑफिस में फ़ोन करके मुझसे मिलने का जो प्रोसीजर है वो भी आप पूछ सकते हैं, और टेलीफोनिकली वर्ल्ड वाइड कहीं भी बैठे हुए आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा, फॉलो करने के पश्चात आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपको पूरा समय दे करके आपको कोशिश करूंगा बेस्ट गाइड करने के लिए। दोस्तों आज्ञा दीजिए, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।